नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर सिंगरौली से है, जहां घर घर नल जल योजना का शहर में निर्माण कर कई सालों से चल रहा है। कुछ जगहों पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए लोगों को पानी भी सप्लाई हो रही है। केंद्र, राज्य और स्थानीय निगम की ज्वाइंट नल जल योजना का काम मेसर्स चंद्र निर्माण एजेंसी को मिला है, लेकिन यह योजना अफसरों और ठेकेदार के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुई है। वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व नगर निगम स्पीकर ने मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, महापौर, आयुक्त को पत्र लिखकर बड़ा आरोप लगाया है। पिछली परिषद ने बड़े घोटाले की वजह से निर्माण एजेंसी का भुगतान जांच होने तक रोक दिया था और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री AK सिंह को ऑफिस अटैच भी कर दिया था। उसके बाद कोरोना काल में मामला पेंडिंग रहा और अब बगैर जांच के ही बड़े घोटाले पर पर्दा डालने और निर्माण एजेंसी को भुगतान करने अधिकारी भी जान से जुटे हैं। लेकिन भाजपा नेता के इस पत्र ने अधिकारियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। उधर पूर्व निगम स्पीकर के बयान पर भड़कते हुए सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि यह मामला तो भाजपा नेता के जमाने का है, फिर भी मैं देखूंगी। फाइल देखूंगी कि हकीकत क्या है। कांग्रेस की तत्कालीन गवर्नमेंट थी, उसी समय में जैसे ही गवर्नमेंट हम लोगों की बदली, उसके बाद संबंधित ठेकेदार चंद्रा निर्माण कंपनी द्वारा वाटर सप्लाई का हम ही लोग काम चालू करवाए थे। वो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप यहाँ पे हर घर जल नल योजना का कार्य चालू हुआ था। उसी में संबंधित ठेकेदार द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया था, उसमें संबंधित अधिकारी भी थे। तो तत्काल हम लोग परिषद ने निर्णय लिया था और कि संबंधित अधिकारी को इसमें अटैच करके, ऑफिस अटैच करके जांच करवाई जाए। तो संबंधित अधिकारी तो उस समय में अटैच हो गए थे, लेकिन आज तक उसका जांच किसी अधिकारी ने नहीं करवाया परिषद के निर्णय को लेके। और वो ठेकेदार चंद्रा निर्माण कंपनी द्वारा वाटर सप्लाई के कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार किया हुआ है और अभी भी वो भ्रष्टाचार उसका कार्य चालू है। अभी पता चला है कि वो अपना पैसा, जो मार्जिंग मनी है, उसको भी शायद संभवतः निकाल चुका है और अभी लंबा बिल उसकी है और वो निकालने की फिराक में है, जो कि अभी जांच करवा ली जाए तो पता चल जाएगा। और मैंने तो मेयर को भी चिट्ठी लिखा है, क्योंकि मेयर ने यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त करने की वादा करके यहाँ पे चुनाव में हम आई थी और चुनाव जीत भी गई, यहाँ की जनता उनके ऊपर विश्वास की है। और मेयर इसमें क्या करती है अभी तो मैं जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि मेयर इस एक ही महीने का समय हुआ है जो जनता ने आशीर्वाद दिया था, और एक महीने के अंतर्गत अभी मेरी जानकारी में अभी ये नहीं आया है। और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल इस पर रोक लगाई जाएगी और बिल्कुल कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है जिस तरह से आनन फानन में ये भुगतान को देने के लिए अधिकारी भी परेशान है, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा नेता के ही कवई खोलने के वजह से हड़कंप भी मचा हुआ है कि चाहो तब। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी पिछले कार्यकाल में जिसकी रही होगी सरकार और जिसका महापौर होगा इस नगर निगम में, अगर उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है और अभी तो मेरा एक महीने का कार्यकाल हुआ है, तो उस कार्रवाई की जाएगी। और जो नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं उनसे बातचीत करके आगे बढ़ा जाएगा।